ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा में जब लगातार गति होती है तब वासना के संबंध क्षीण होते जाते हैं और प्रेम व करुणा के संबंध विकसित होते जाते हैं। ये सूत्र भी साधना की एक पहचान देता है कि कैसे हमारे संबंधों में अंतर आता है, कैसे हमारे संबंध रूपांतरित होते हैं जब हम इस अंतरयात्रा में चलते हैं। आम तौर से जितने भी संबंध हैं संसार में वो वासना के हैं। वासना का अर्थ काम वासना नहीं है, काम वासना वासना का एक हिस्सा है। वासना है कुछ पाने की चाह, वासना है दूसरों से सुख पाने की आकांक्षा। जब भी हम दूसरों से सुख पाने की कोई भी इच्छा रखते हैं, किसी भी तरह से हम उस इच्छा के साथ चलते हैं और उसके साथ जो संबंध बनते हैं वो सभी संबंध वासना के। अगर हमको लगता है कि किसी के साथ होकर हमको अच्छा लगता है इसलिए हम उसके साथ होंगे, या इससे हमको ये लाभ होगा इसलिए हम इसके साथ होंगे, अगर सेंटर जो है वो हमेशा हम खुद होंगे, केंद्र अगर हम स्वयं बने रहेंगे, तो उन संबंधों को वासना का संबंध ही कहा जाएगा। सूत्र कहता है कि वासना के संबंध क्षीण होते हैं और प्रेम और करुणा के संबंध विकसित होते हैं। प्रेम और करुणा के संबंध क्या है? जब हमारा फोकस हमसे हटकर बाहर फैलता है, जब हम ही केंद्र नहीं रह जाते, दूसरे भी, जगत भी उस केंद्र में शामिल होता है, तब प्रेम और करुणा विकसित होती है। प्रेम कुछ पाना नहीं है, प्रेम दूसरे का उपयोग करना नहीं है, प्रेम दूसरे से सुख पाने की आकांक्षा नहीं है। प्रेम वो भावदशा है जब हम दूसरे के जीवन को पहचानते हैं, उसका सम्मान करते हैं और अंतर संबंधित जीवन के रहस्य को देख पाते हैं, उससे तरंगित हो पाते हैं, तभी प्रेम की तरंग भी हमारे भीतर उठती है। प्रेम अपने श्रेष्ठ को दूसरे से बांटने का सहज ढंग है। दूसरे से कुछ पाने का ढंग नहीं है, दूसरे से बांटने का ढंग है जो हमारे भीतर श्रेष्ठ है। और जिसे हम करुणा कह रहे हैं वो प्रेम का और शुद्धतम रूप है, प्रेम का और विकसित होता हुआ रूप है कि जब हमारे भीतर से सहज ही इस सारी प्रेम की धाराएं बहती हैं और हम दूसरों के जीवन में एक विकास लाने के लिए, खिलावट लाने के लिए हमसे जो बन पड़ सकता है हम वो करते हैं, दूसरों की वेदना भी हम महसूस करते हैं, तब करुणा का संबंध विकसित होता है। करुणा का संबंध तब भी विकसित होता है जब हम दूसरे की मानवीयता को, उसके ह्यूमन नेचर को एक्सेप्ट करते हैं और उसको उसकी सारी कमियों अच्छाइयों के साथ समग्रता में, टोटलिटी में एक्सेप्ट करते हैं। करुणा तब तक पूरी तरह नहीं घटती जब तक व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त नहीं होता। अहंकार से मुक्त होने का अभिप्राय क्या है? अपने कर्तापन के बोध से मुक्त होना कि मैं करने वाला नहीं हूँ और दूसरा भी कोई करने वाला नहीं है। ये अस्तित्वगत सत्ता, ये एग्जिस्टेंशियल जो फोर्स है, कॉस्मिक लॉ है, जागतिक नियम है, उससे ही सब कुछ घट रहा है। तब करुणा बिना किसी बाधा के बहती है। करुणा की नदी ऐसे प्रवाहित होती है जैसे उसमें कोई अवरोध नहीं है। क्योंकि जब तक ये अहंकार रहता है, कर्तापन रहता है, तभी तक हम एक दूसरे से उलझते हैं, एक दूसरे के प्रति हम कटुता या मधुरता, अच्छा या बुरा कुछ भी अनुभव करते हैं और स्वयं को भी कभी अपराध बोध से, कभी किसी अन्य भाव से भरते हैं। लेकिन जब ये अहंकार मुक्त हुआ, कर्तापन मुक्त हुआ, तो
ये भेद समाप्त होता है और दूसरे के जीवन के साथ हम स्पंदित हो पाते हैं, वही करुणा है। करुणा की उपस्थिति इसीलिए सशक्त होती है कि जब इस तरह अपने कर्तापन से मुक्त होकर हम किसी के साथ संबंधित होते हैं तो उसके जीवन को उच्चतम आयाम की तरफ खींच लेने में हम सहयोगी बन जाते हैं। खींच तो अस्तित्व ही रहा है, खींच तो वो चेतना ही रही है, लेकिन करुणा में उपस्थिति, प्रेम से भरी उपस्थिति उसमें सहयोगी बन जाती है। इसीलिए सूत्र कहता है कि वासना के संबंधों से प्रेम और करुणा के संबंधों में अतिक्रमण, ये अंतर्यात्रा है और यही पहचान भी है। जब संबंध इस ढंग से विकसित हो रहे हों तो साधक को समझना चाहिए कि अब अंतर्यात्रा गहरी हो रही है।